खतरा अभी बरकरार है क्योंकि 13 सालों में कुछ बदला नहीं है। वही गलियां, वही कॉलोनियां, वही समाज सेवा का जज्बा, परेशानियां भी वही। अपने आसियाने भारी मन से छोड़कर आधा अधूरा सामान समेटकर किसी आश्रय की तलाश में जाते हुए परिवार। कई जनप्रतिनिधि आए और कई प्रशासनिक अमले के तबादले हुए, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। आप देख रहे हैं बातों बातों में, मैं हूं रणदीप रोड। हम बात कर रहे हैं बाढ़ के हालात की। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र को विश्व के मानचित्र पर बताने वालों को इन तस्वीरों से थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए, थोड़ा तो शर्मसार होना चाहिए। अरे डेढ़ दशक के बाद फिर वही हालात। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र को विश्व के मानचित्र पर बताने वालों को इन तस्वीरों से थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए, थोड़ा तो शर्मसार होना ही चाहिए। अरे डेढ़ दशक के बाद फिर वही हालात। इन 13 सालों में क्या कुछ बदला है? कुछ भी तो नहीं। साल 2010 में 7 जुलाई को इसी तरह से जोगनाखेड़ा के पास नहर का हिस्सा टूटा था और नगर की हजारों की आबादी पर कहर टूटा था। इत्तेफाक से मैंने उस बाढ़ के हालातों को भी रिपोर्ट किया था। सोच यही थी कि नदी उफान पर थी, तटबंध टूट गया, नगर में बाढ़ के हालात बन गए। लेकिन 13 साल बाद फिर वही तटबंध टूट गया और हालात बाढ़ के फिर बन गए। इसका मतलब इन 13 सालों में कुछ भी तो नहीं बदला, यहाँ तक कि समाज सेवा करने वाली टोलियाँ भी नहीं। इन 13 सालों में कुछ तो बदलना चाहिए था, समाज सेवा का जज्बा, लेकिन हालात बदलने का नहीं। कुरुक्षेत्र सहित बाढ़ ने उत्तर भारत में अपने कहर को खूब ढाया। हम इसी पर चर्चा करेंगे, बाढ़ आने के कारणों पर, बाढ़ के जिम्मेवार लोगों पर, और उस विषय पर जो सिर्फ किताबों में, स्कूलों में पढ़ाने के वास्ते, यानी आपदा प्रबंधन पर एक सीरीज के माध्यम से आपसे मिलेंगे। आप हमारी रिपोर्ट पर कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें और इसे शेयर जरूर करें। मैन मेड को आपदा बोलकर जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ने वालों पर भी विस्तार से बातों बातों में बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए बातों बातों में।